जब आप ये मेकअप ट्यूटोरियल देखो आप देखो मैंने बहुत कम प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, बहुत यू नो लाइट, बहुत लाइट सटल सा मेकअप रखा है। एंड अगर आपको ये मेकअप लुक अच्छा लगे तो आप मेरी वीडियो को देखो एंड फिर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा। ओके, मेकअप ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने नेल्स दिखाऊंगी। ये मैंने नेल पॉलिश लगाई हुई है, स्टे कोकी की नेल पॉलिश है। इसका नंबर मैं आपको बता देती हूँ, स्पॉइल मी पेस्टल 306 306, और ये मेरे कपड़ों के साथ भी मैच कर रही है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द ट्यूटोरियल। मैंने अपने फेस पे मॉइस्चराइजर लगा लिया है और लिप बाम लगा लिया है, और अब मैं जस्ट अपना जो मेरा होम वाइट DIY जो मेकअप सेटिंग स्प्रे मैं वो करूंगी, ताकि ये जितना भी मेकअप है, आप ऑफिस के लिए मेकअप करें तो मेकअप सारा दिन आपका चलना चाहिए, तो आप इसको अब ड्राई होने दो मिनट के लिए। अब मैं पतंजलि के एलोवेरा जेल लगाऊंगी एज अ प्राइमर, ताकि ये पोर्स वगैरह को भी यू नो थोड़े से मिनिमाइज करे, बंद करे, और ये जो मेकअप है वो सारा दिन इसको स्टे करे, अपनी जगह पे रखे। अब ऑफिस है तो मैंने बहुत सारा मेकअप नहीं यूज करना, हमने फाउंडेशन लगा लिया, कंसीलर लगा, हमने सिर्फ बीबी क्रीम यूज करनी है। एंड मैं यूज कर रही हूँ स्टे कोकी की बीबी क्रीम, मेरा शेड है ड्रॉट बियर 01। लगाने का तरीका वही है, आपने डॉट 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 करके लगाना है और अपने ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इसको ब्लेंड करना है। तू जीना है मेरा, दस लेना की नखरा दिखा के दिल। अब मैं कॉम्पैक्ट स्टे कोकी के कॉम्पैक्ट के साथ, और मेरा शेड नंबर है आइवरी व्हेन यू वरी 1, मैं उसके साथ अपने बीबी क्रीम को सेट करूंगी। अब मैं इस ब्लैक कलर के साथ अपने आईब्रोज फिल करूंगी। अब मैं अपने काजल के लिए, मैं स्टे कोकी का बैडेस काजल यूज कर रही हूँ, इसका थोड़ा एक्चुअली प्रिंट उतर चुका है। एंड मैं लाइनर नहीं लगाऊंगी, मैं सिर्फ अपर वाटर लाइन और लोअर वाटर लाइन पे लगाऊंगी। मैं जीना है तेरा, मैं जीना है तेरा, तू जी। ओके, अब मैं इसी ब्लैक कलर से मैं अपने इस स्मजिंग ब्रश से इसको मैं स्मज करूंगी काजल को। हमें वैसे भी स्मज कर देना चाहिए काजल को, क्योंकि ये है क्रीम प्रोडक्ट, जब तक हम इसको ऊपर पाउडर के साथ उसको यू नो मैटिफाई और उसको सेटल डाउन नहीं करेंगे, नहीं तो वो सारा दिन ऑफिस में वो फैलता रहेगा, कई बार गर्मी की वजह से, कई बार वैसे स्वेट की वजह से। तो आपने इसको बेटर है कि आप इसको अच्छी तरह से इसको आप स्मज कर दो। काजल स्मज कर लिया, आप देख सकते हो ये कितना यू नो स्मोक्ड आउट लग रहा है, और प्लस ये अब कहीं नहीं फैलेगा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि अब मैंने क्रीम प्रोडक्ट के ऊपर पाउडर के साथ उसको सेट कर दिया। अब मैं अपने लैशेस को कर्ल करूंगी और मस्कारा लगाऊंगी। तेनू लगता तो छुपा के रखा आंखां ते सजा के तू ऐ मेरी वफा, रख अपना बना के मैं तेरे लिया, तेरे लिया यारा, ना पावी कदे दूर। अब आप देख सकते हो मैंने ऑफिस मेकअप के लिए आई मेकअप कितना सटल सा और कितना लाइट सा रखा है। अब आपके ऊपर है कि अगर आपने ब्लश लगाना है या नहीं लगाना है। मैं यहाँ पे लगाऊंगी ये लाइट कलर बेबी पिंक कलर ब्रश लगाऊंगी, जस्ट कि वो यू नो पिंकी ग्लो सा नजर आए और कुछ नहीं। क्या
देख सकते हो मैंने ब्लश लगा लिया, लेकिन मैंने बहुत सटल सा ब्लश लगाया है क्योंकि ये ऑफिस मेकअप है तो आप इतना नहीं कर सकते, बट वो पिंकी ग्लो के लिए लगाया है। एंड मैं अब लिपस्टिक लगाऊंगी, लेकिन लिपस्टिक के लिए मैं कोई मैट लिक्विड लिपस्टिक नहीं यूज कर रही, क्योंकि लिक्विड लिपस्टिक को हम दोबारा रीअप्लाई नहीं करते, फिर वो लुक नहीं आती। ऑफिस में अगर आप कुछ खाते पीते हो, यू नीड कि आप ऐसी लिपस्टिक लगाओ जिसको आप रीअप्लाई कर सको। तो मैं अगर ये प्लम डिजायर लगा रही हूँ, बहुत अच्छी मैट लिपस्टिक है, ये है ब्लू हेवन की सुपर स्प्लैश मैट लिपस्टिक। अगर मैं कुछ खाती पीती हूँ ऑफिस में, तो मैं इसको आराम से अपना यू नो वॉशरूम वगैरह में जाके इसको रीअप्लाई कर सकती हूँ, मुझे पूरी लिपस्टिक को उतारने की जरूरत नहीं है जो हमें लिक्विड लिपस्टिक में करना पड़ता है। जब मेरा सारा मेकअप हो चुका है, मैं एक बार आखिरी टाइम एक बार मैं ये फिर से अपना मेकअप सेटिंग स्प्रे करूंगी, ताकि ये सारा मेकअप यू नो लॉक हो जाए और ये सारा दिन यू नो स्टे करे। करने के बाद आपने अपने ब्यूटी ब्लेंडर के साथ थोड़ा सा यू नो इसको डैब कर देना, ताकि जितने भी पाउडरी है वो थोड़ा आपस में मेल्ट हो जाए और वो अच्छी तरह से यू नो ब्लेंड हो जाए आपके फेस पे। अब मैं अपने ऑफिस के लिए तैयार हो चुकी हूँ। आप देख सकते हो मैंने हल्का सा यहाँ पे जस्ट एक छोटा सा टिक टैक पिन लगाया है, ताकि स्टाइलिश भी लगे और जब हम काम कर रहे हैं नीचे वगैरह मुंह करके, तो बार बार हमारे बाल हमारे मुंह पे भी ना आके गिरे। एंड मैंने छोटे छोटे से स्टड्स डाले हैं, ताकि थोड़ा सा लाइट रहे लेकिन स्टाइलिश भी लगे। प्लस अपनी मैंने वॉच डाली, यार काम पे जा रहे हो घड़ी तो डालोगे। एंड दिस इज माई हैंड बैग, राइट। And now I'm ready for my office. Okay, now this was very easy peasy सा जल्दी जल्दी सा करने वाला ऑफिस का मेकअप। एंड आप देख सकते हो कितना यू नो फ्रेश मेकअप है, बिल्कुल ओवरडन नहीं है। आप रोज इसको करके जाओ, आप ऑफिस में जाओ, आप कॉलेज में जाओ। अगर आपको ये मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अगर हेल्पफुल लगे, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करो। टिल देन बाय। रखा खत सजा के तुम्हें मेरी वफा, रखा पुना बना के मैं।